फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं सपना आप सबका स्वागत करती हूं मैं अपने होम में। तो फ्रेंड्स, अभी स्नान हो गई है, पूजा हो गई है, अब किचन में आ गए हैं। बज गए हैं 7, 5 बजे उठती हूं तो 2 घंटे में स्नान वगैरह सारा घर और क्लीनिंग मेरी हो जाती है। अभी आदित्य के लिए चिल्ला बना रहे हैं, यानी कि छिलका। छिलका हम लोग बोलते हैं, चिल्ला भी बोला जाता है। और तवे पर थोड़ा सा तेल डालेंगे, रिफाइंड ऑयल, और इसके बाद छिलके को, इस घोल को उस पर फैला देंगे। और घोल हमने ये गेहूं का आटे का छिलका बनाया है। और ये जो चिल्ला है ना, बहुत ही अच्छा लगता है बच्चों को। इसमें अगर प्याज डाल दो, थोड़ा सा गरम मसाला, हल्दी, ये सारी चीज़ें डाल दो तो बहुत ही अच्छा लगता है चिल्ला खाने में। और बचपन में तो फेवरेट था, बच्चों का तो फेवरेट यही था, मेरे बच्चों को फेवरेट यही था। तीखा बिल्कुल भी नहीं, बस सिंपल सा बना दो, खूब खाते थे। अब तो सिर्फ आदित्य को पसंद है, हर्ष नहीं खाता ये सारी चीज़ें। और आदित्य को पसंद है तो आदित्य के लिए स्पेशली मैंने यहाँ पर चिल्ला बना दिया, उसे दे दिया। और इसके बाद दाल भिंगो कर मैं रख रही हूँ, तुरंत ही इसे भी खाना भी बनाएंगे। तो थोड़ा सा 10-15 मिनट भिंगो जाए ना दाल, तो फिर पक जाता है अच्छे से। लौकी का सब्जी बनाना है। तो फ्रेंड्स, अभी सारा काम हमने कंप्लीट कर लिया है। 12 बज चुके हैं और अभी जा रहे हैं हम। आप लोगों का फरमाइश आया था कि मिट्टी का चूल्हा बनाने का, तो चलते हैं मिट्टी का चूल्हा बनाते हैं और कुछ नए तरीके से बनाते हैं मिट्टी का चूल्हा। मैं अभी मिट्टी का चूल्हा कभी भी नहीं अपने हाथों से बनाया है, लेकिन हाँ, सासू माँ को, अपनी मम्मी को देखा है बनाते हुए। तो चलिए, मैं पहली बार अपने घर में यहाँ पर चूल्हा बनाते हैं, तो चलिए देखते हैं कैसा मेरे हाथों से बनता है चूल्हा। तो थोड़ा डिफरेंट बनाएंगे चूल्हा, मिट्टी का नहीं, ईटा का बनाएंगे, लेकिन मिट्टी भी रहेगा। तो चलिए, जो कि हम आज कहें तो आज भी यूज़ कर, मतलब आज भी, मतलब एक दो रोज़ में सूख जाती है। मिट्टी का चूल्हा तो 2-4 दिन लगता है बनाने में, और सूखने में भी टाइम लगेगा, लेकिन ईटा वाले चूल्हे तुरंत बन जाते हैं और बनाने के बाद यूज भी तुरंत कर सकते हैं। तो चलिए, कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, देखते हैं। एक फ्रेंड्स ने कहा था कि मिट्टी का चूल्हे में आग लगा कर दिखाने के लिए, तो मेरे घर में मिट्टी का चूल्हा था ही नहीं, तो मैं आग लगा कर कैसे दिखाती। तो सोचा कि मिट्टी का चूल्हा ही बना दे, क्योंकि मेरे आंगन में मिट्टी भी है, उपयोग करके मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो मैं उन्हीं का आइडिया लेकर मैंने सोचा ना कि चलो अच्छा है, कुछ ना कुछ बनाने के लिए भी हो जाएगा चूल्हे पर, और ठंड का मौसम भी है, आग भी तपा जाएगा, तो दोनों ही मेरी सुविधा हो जाएगा। तो अच्छा ही चीज़ था, अच्छा कमेंट था, तो मुझे भी अच्छा लगा, उसका उपयोग भी कर रही हूँ। और बहुत सारे फ्रेंड्स अच्छे अच्छे कमेंट लिखे हैं, सबका पूरा मैं ज़रूर करूँगी, देर होगा पर सबका पूरा मैं करूँगी। तो अभी मैं देख सकते हैं कि अभी मिट्टी भी कोड़ाई की हूँ, और अभी कोई मेरे घर पर नहीं है, सिर्फ हर्ष है और बस मैं हूँ। तो अभी मैं मिट्टी का चूल्हा बनाने के लिए, सबसे पहले मिट्टी को अच्छे से पानी देकर मतना पड़ता। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा ना मिट्टी में मुझे भूसा भी मिलाना चाहिए था, तो इसे कि चूल्हा पाटते वक्त फटता नहीं है, लेकिन मैंने क्या, मेरे पास भूसी उसी नहीं था, तो मैंने सिर्फ मिट्टी का उपयोग किया है। तो मिट्टी को अच्छे से सान का गुलठी बुलठी था सब महीन किया है, और फिर ले आई हूँ, ईटा में रख ली हूँ, और यहाँ पर अब चूल्हा की तैयारी कर रही हूँ। तो ईटा से आज हम चूल्हा बनाएंगे, आपको देखने में लगेगा कि मिट्टी का है, एकदम बिल्कुल ही मिट्टी की तरह लगेगा, लेकिन यूज़ आप कभी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ईटे को अच्छे से इस तरह से लगा दी हूँ। अब अगर किसी को नहीं आता है और करना भी चाहते हैं ईटा का चूल्हा बनाना, तो इस तरह से बना सकते हैं, बहुत ही यूजली बन जाता है ईटा। मैं पहली बार बना रही हूँ, लेकिन देखी हुई हूँ मैं, इसलिए मैं अपना तरीका इसमें थोड़ा यूज़ करके अपना चूल्हा तैयार कर रही हूँ। तो जितना भी जो मैंने घेरा किया, 2 ईटा नीचे रखा, घेरा किया है ईटे को, और इसके बाद सभी मिट्टी को पहले भर देंगे, सभी जितना भी है छेद, सब में मिट्टी मैंने भर दिया है, भर कर फिर ऊपर मिट्टी को अच्छे से लगा देंगे। इसके बाद जितना भी आप मिट्टी लाए हैं, और ये देख सकते, उजला कलर का आप लोगों को दिख रहा है, ये लोहा नहीं है, लोहा हो तो बहुत ही अच्छा होता, अगर लोहा हो तो, इतना चौला मेरे पास लोहा था नहीं, इसलिए उजला जो कलर है, जो यहाँ पर मिट्टी लगा रही हूँ, वो मैं टाइल्स लगा दी हूँ यहाँ पर, ताकि यहाँ पर अच्छे से मिट्टी लग सके इस तरह से। अगर कोई बना रहे हैं चूल्हा मेरी तरह, तो यहाँ पर लोहा का उपयोग ज़रूर कीजिएगा, इससे अच्छा होता है। अब टाइल्स लगा है, लगा तो दी हूँ, लेकिन देखिए अब आग लगाने में पता चलेगा कि क्या होता है, फटता है कि क्या होता है। तो यहाँ पर मिट्टी को ऊपर से हम लगाएंगे इस तरह से,
अब मैंने टब में छोटे छोटे टुकड़े गिट्टी के मेरे घर में थे और ईटा के थे उसी को मैं इस छेद में भर रही हूँ। इसलिए भर रही हूँ कि ज़्यादा मिट्टी ना लगे मुझे, तो इसलिए। और फिर पानी से मैं छींटे मारकर भिंगा दी। तो अभी हमने चूल्हा को अच्छे से तैयार कर लिया है, देख सकते हैं पूरा अच्छे से मुँह इसका गोल कर दिया। अभी बहुत मेहनत लगा था इसे गोल करने में, तो गोल तो हो चुका है लेकिन अभी बाकी है सभी में मट्टी देना। तो इसमें तो मट्टी का खेल होता है, मट्टी से आप जितना भी सुंदर कर सकते हैं चूल्हे को। तो फाइनल मेरा यही है जो कि अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है, अभी सभी को सुंदर करके दिखाएंगे आप लोगों को। फिलहाल मैं चेक कर लेती हूँ कि इस पे इस चूल्हे पर मेरा कढ़ाई बैठता है या नहीं। तो ये रहा कढ़ाई, देखते हैं बैठा कर। और जो भी चूल्हा बना रहे हैं मेरी वीडियो देखकर, तो सबसे पहले मैं उन्हें ये कहूँगी कढ़ाई आप चढ़ा चढ़ा कर देखा कीजिए कि मेरा कढ़ाई उस पर फिट आता है या नहीं। नहीं तो फिर ऐसा हुआ ना कि बना कर तैयार कर दिए और फिर कढ़ाई डूब गया उसमें, तो ये चीज़ देखना होता है। तो मैं देख रही हूँ कि कढ़ाई चढ़ा कर कि कैसा इस पर आते हैं आता है। तो देख सकते हैं कि एकदम फर्स्ट क्लास मेरा कढ़ाई बैठ रहा है। तो चलिए, मेहनत कामयाब हुआ, पहला बार चूल्हा बना रही हूँ और पूरे अच्छे से सुंदर करके आपको दिखाती हूँ, फाइनल लुक देते हैं। बस कुछ नहीं करना है, बस इसमें हमें मिट्टी से अब चिकना कर देंगे, बस यही चूल्हा है, मिट्टी से इसे सब चिकना कर देना है, बस यही काम रह गया है इसमें। और अच्छे से मिट्टी लगा कर एकदम ब्यूटीफुल चूल्हा बनाकर आपको तैयार करके दिखाएंगे। चूल्हा के जो नीचे मैंने ईटा बिछा रखा है अभी जो निपाई कर रही हूँ, ये इसलिए दिया है ताकि चूल्हे में जो राख हो ना तो इधर उधर बरामदे में फैले ना, और देखने में भी अच्छा लगता है। और गोल बना रही थी लेकिन बन गया कुछ और, तो चलिए, लेकिन अच्छा डिज़ाइन बना है, अच्छा लग रहा है देखने में। तो चलिए, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपको लोगों को ना फुल लुक दिखाऊंगी चूल्हे का, एकदम इतना अच्छा लग रहा था बनाने के बाद कि मैं भी देख कर ना सरेचकित रह गई कि इतना अच्छा मेरे से आप बन लोगों गया। को वीडियो में आवाज़ बच्चे सबका आता होगा, इसलिए क्योंकि बगल में ही सरकारी स्कूल है, बच्चे पढ़ते हैं तो आवाज़ आते रहता है। तो अभी कंप्लीट हो चुका है लेकिन थोड़ा सा भी और बाकी है। तो कढ़ाई चढ़ा दिया हमने और थोड़ा सा यहाँ पर निशान लगा रही हूँ इस तरह से, क्योंकि जब भी हम कढ़ाई हो या फिर कुछ भी इस पर चढ़ाएंगे तो फिर पूरा हवा नहीं जा पाएगा, पूरा जैसे कि यहाँ पर मुंदा आ जाएगा। हवा जाने के लिए थोड़ा सा उचकुन दिया जाता है जो कि मिट्टी का मैं दे रही हूँ। गांव में तो खपड़ा टाइप के आता था, तो पहले मैंने देखती थी मैं जब गांव में रहती थी, गांव आज भी जाती हूँ तो खपड़ा वगैरह का उपयोग या फिर ईटा वगैरह का उपयोग कर लेते हैं लोग। पहले तो खपड़ा ही उचकुन के तौर पर करते थे और नहीं तो फिर इस तरह से उचकुन करते थे। तो मैंने देखा था कि इस तरह से उचकुन दिया जाता था, तो आज ऐसे ही मैंने उचकुन दिया है मिट्टी का ही, जो कि इस पर देख सकते हैं कि ये फाइनल लुक है हमारा। तो देख सकते हैं कितना सुंदर चूल्हा बनकर तैयार कर दी हूँ। और फिर इसके बाद सब साफ, इतनी गंदी हो गई थी ना मिट्टी, सबको अच्छे से पोछा है बरामदे को, और देख सकते हैं लुक हमारा
चूल्हा का। तो चलिए, मेहनत करने का फल मीठा होता है, अच्छा है, सुंदर लग रहा है, बनाने में भी मन लगेगा इसमें। एक चूल्हा बनाने में बहुत सारे मिट्टी लग गए, दिखाती हूँ आपको कितना सारा, मतलब कितना गड्ढा हो चुका है यहाँ पर, ये देखिए। तो यहीं से मैंने मिट्टी लिया था जो कि थोड़ा सा गड्ढा हो चुका है। कितना सुंदर, देख सकते हैं मैंने चूल्हा मिट्टी का पार दिया। तो ये जो चूल्हा है ना, आप कभी भी इसमें मतलब बना सकते हैं खाना, क्योंकि ये है ईटा का। ईटा का ये होता है, सूखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 2 दिन लगेगा बस। इसमें आप आग को लगा दीजिए, खाना बना लीजिए, आग से ही बाकी सब मिट्टी जो है सूख जाएगा। और जो थोड़ा सूखता है ना, तो थोड़ा सा हल्का फटता उठता है, तो उसे फिर से निपाई कर दी जाती है, तो बहुत ही सुंदर चूल्हा हो जाता है। तो देख सकते कि मेरे हाथ में, सोच नहीं सकती ये मैं कर ली। मतलब देखने से आदमी ना कुछ भी सीख सकता है, माइंड लगाए तो सब कुछ कर सकता है। थोड़ा सा मेहनत लगता है भाई, मेहनत तो हर काम में लगता है, हर काम में मेहनत लगता है, तभी हम लोग आगे जाते हैं, मेहनत करते हैं। तो देख सकते हैं कि आज तो मैं बहुत बहुत खुश हूँ। और इस पे क्या बनाऊँ आप कमेंट में बोलिएगा, क्या बनाऊँ इस पर। पहला मैं तो सोच रही थी कुछ मीठा चीज़ बनाने के लिए, आप लोग बताइएगा क्या बनाऊँ इस पर। ठंड के दिनों में ना कुछ सबके लिए कुछ खास बनाऊंगी, हर फ्रेंड्स के लिए खास बनाऊंगी, हम जैसी महिलाओं के लिए, सभी के लिए, बच्चे हो, बूढ़े हो, महिलाएं हो, सोच के रखा है इस पर क्या बनाऊंगी। तो आप लोग भी कमेंट कीजिएगा कि मैंने क्या सोचा होगा, गैस कीजिएगा कि क्या मैं बनाऊंगी, क्योंकि बनाऊंगी तो कुछ खास मिठाई चीज़ जो कि सभी के लिए फ़ायदे हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, महिलाएँ हो, सब के लिए एकदम फेवरेट चीज़ बनाऊँगी जो कि सबके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो देखते हैं क्या बनाते हैं। तो अभी मिट्टी से चूल्हा बनाते बनाते ना सब मिट्टी मिट्टी हो गया मेरा, साड़ी वगैरह सब। तो अभी जा रहे हैं स्नान करेंगे और शाम में मिलते हैं। अब शाम वती कर दी हूँ और अभी बज रहा है 6, लेकिन लग रहा है ना कि 8 बज रहा है, जितना रात हो चुका है। तो अभी खाना बना दे रहे हैं। तो अभी हम बनाएंगे करेला का भरवा। यहाँ पर करेले मैंने लिए हैं, और चाहे तो आप छिलके उतार के बनाइए या फिर नहीं उतारिए, मैं यहाँ पर छिलके बिल्कुल भी नहीं उतारूँगी, क्योंकि करेला मेरा फेवरेट है और मैं खाती हूँ, कितना भी तीखा हो जाए मुझे अच्छा लगता है। लेकिन तीखा कम करना है तो आप छिलके उतार सकते हैं, और वैसे भी मैं बिना छिलके उतारे ही आप लोगों को बताऊंगी, ऐसा कि आपको एक भी तीखापन नहीं रहे लगेगा और अच्छा लगेगा, कसैंधा नहीं लगेगा। यहाँ पर मसाले में मैंने लिया है धनिया, सौंफ, मंगरेला अजवाइन, पीली सरसों, काली सरसों और काली मिर्च, जीरा, बस यही सब लिया है। इन सभी चीज़ों को अभी साइड में रखते हैं और मैं चेक करती हूँ यहाँ पर कि पका है या नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने छुरी घुसा कर देखा है, तो अच्छा से पक चुका है हमारा करेला। तो उसे उतार कर ठंडा होने देंगे, और ठंडा होने के बाद हम इसे तैयारी करेंगे। तब तक यहाँ पर मसाले भून लेते हैं, ठंडा होने देते हैं, तब तक इधर मैं भून लेती हूँ मसाले को। तो मसाले डालकर अच्छे से इसे धीमी आंच पर अच्छे से भुरेट ले, यानी कि भून ले, और फिर हम मिस्की में पीस लेंगे। और मिस्की में पीसने से पहले यहाँ पर एक पोट मैंने लहसुन डाला है, क्योंकि करेला का है तो भाई लहसुन ज़रूर डाले, ज़्यादा प्याज भी डाल दिया है, 2 मिर्च मैंने डाला है, 2। और कहते हैं ना कि करेला में कोई कोई पता होता है कि मिर्च नहीं डालते हैं, लेकिन मिर्च डालना तीखे के अनुसार डाल सकते हैं, अच्छा लगता है। तीखा और कसैंधा 2 अलग अलग चीज़ होते हैं। तो यहाँ पर मैंने जितना भी ठंडे हो गए थे सभी को बीज निकाल दी हूँ काट कर, और यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा दिया। कढ़ाई चढ़ाने के बाद इसमें जीरा का फोरन देंगे। अगर ये रेसिपीज़ आप लोगों को समझ में ना आया हो तो मेरी दूसरे चैनल पर देख लीजिएगा, अच्छे से मैं उसमें बता देंगी। और यहाँ पर प्याज डाल दिया है, प्याज डालने के बाद जो बीज था मैंने निकाल रखे थे सभी को डाल दिया है। कितने हैं कि बीज को फेंक देते हैं, लेकिन मैं नहीं फेंकती, मुझे बीज ही बहुत पसंद है, तो बीज भी बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन जो नहीं खाते वो निकाल कर अलग कर दीजिएगा, नहीं डालिएगा।
तो आपने देखा ही कि क्या क्या मैंने डाला है। इसके बाद मैंने टमाटर डाला, टमाटर गलने पर नमक उमक डालकर टमाटर गलने तक इंतज़ार किया। इसके बाद मैंने मसाले डाले, मसाले डालने के बाद मैंने यहाँ पर नींबू गाड़ दे रही हूँ भूनने के बाद। और नींबू इसलिए गाड़ा जाता है, आपके पास आम का अचार होना तो आम का अचार डालिएगा तो भी बहुत ही टेस्ट आता है, और नहीं हो तो नींबू दो मैंने डाला है। तो इस तरह से अच्छे से मसाले भून लीजिएगा। भूनने के बाद आधा मैं निकाल लूँगी और आधा इसी में रहने देंगे, क्योंकि मैं ग्रेवी बनाऊंगी। और इस वक्त मैं चावल बनाने जा रही हूँ तो चावल में ये भरवा खाएंगे करेले का। तो बाकी बचा जितने मसाले हैं उसमें पानी डाल देंगे, और मसाले पानी डालने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर नमक डालेंगे, क्योंकि उस टाइम में मसालों में भी मैंने नमक डाला था लेकिन मसाले के अनुसार मैंने डाला था स्वाद अनुसार। और यहाँ पर ग्रेवी रखना है तो ग्रेवी में थोड़ा सा मसाले डाला, क्या कहते हैं, नमक डाला जाता है। और यहाँ पर मैंने सभी में भर लिया है। सभी में भरने के बाद मसाले को इस तरह से तेल में हल्का फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने से ये हो जाता है ना कि इसमें जो जितना भी तीखापन है इस करेले में सब निकल जाता है। तो इस तेल को यूज़ आप भुंजिया वगैरह बना सकते हैं करेला का, या फिर कुछ भी बना सकते हैं उसमें। और इसके बाद मेरा खौला हुआ था तो उसमें मैंने सभी को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद खौला दी हूँ अच्छे से धीमी आंच पर 5 मिनट। इसके बाद देख सकते हैं कि ग्रेवी कितना अच्छा आया है, ये देखिए। और सच मानिए बहुत ही अच्छा लगा, तीखापन कसंधापन एक भी नहीं। हाँ, मिर्च ज़रूर डालिएगा, कहते हैं ना मिर्च और कसंधा दो अलग अलग चीज़ होती है, और अगर कसंधा थोड़ा सा तीखापन खाते हैं तो तीखा डालिएगा। अभी जा रहे हैं, सबको खाना गर्मा गर्म परोसेंगे। और करेला तो मेरा बहुत फेवरेट है, आज तो खूब खाऊंगी करेला, क्योंकि मैं बहुत करेला खाती हूँ। करेला का सब्जी हुआ, भुजिया हुआ, सब्जी हुआ, मुझे बहुत पसंद है। और उसका बीज भी मैं चिबा जाती हूँ, मतलब बीज मैं नहीं छोड़ती। और ये लोग तो बीज निकाल निकाल के देंगे हमको, मैं खा जाऊंगी, ये सब बीज नहीं खाते हैं। लेकिन सब्जी झोर खूब खाएंगे। और हम लोग ना बिहार तरफ करेला का भरवा कहते हैं, इसे कलौंजी भी, करेला का कलौंजी कहा भी जाता है। तो जो भी भरवा चीज बनता है, चाहे बैंगन का भरवा हो या फिर करेला का भरवा हो, सभी को कलौंजी शायद कहा। मैंने आज बनाया करेला भरवा, तो आप जिसकी जिसकी भी फेवरेट है करेला भरवा, तो वो करेला इस तरह से बनाए मारेंगे, ऐसे कुछ देख रहा है। तो चलिए वीडियो का एंडिंग करते हैं और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। हाँ, वीडियो एक दिन बीच करके आएगी, थोड़ा सा काम के चक्कर में ना एडिटिंग नहीं हो पाती है, छोटा दिन करता है इसलिए। तो चलिए, बाय बाय, गुड नाइट।